इस भिखारन को इस लड़की का गिरा हुआ पर्स मिलता है और उस पर्स को वो लड़की उठा देती है और उसमें उसको खूब सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन वो भिखारन ईमानदार थी, वो उस पर्स को उस लड़के को वापस करने के लिए उसने कहा कि आपका पर्स गिरा है। लेकिन उस लड़के ने उससे अपना पर्स लेने से इनकार कर दिया। उस लड़के ने कहा कि ये मेरा पर्स नहीं है, अपने पास इस पर्स को रखो, ये तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे फंसाने की, ये मेरा पर्स नहीं है और ये पैसे भी मेरे नहीं। लेकिन उस भिखारन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का अपने पर्स को लेने से मना क्यों कर रहा है और उस लड़के ने उस पर्स को नहीं लिया और चला गया। और उस लड़की ने उस पर्स को खोला तो उसमें खूब पैसे मिले, लेकिन उसमें एक चिट्ठी भी मिली और उसमें ये लिखा था कि मैं ये तुम्हें पैसे दे रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों को एक अच्छी जगह पर लगा ताकि तुम्हें इससे फायदा हो। और उस लड़की ने बाद में यही किया, उस लड़की ने दुकान में गई और उसने वहाँ से पेन खरीदे और पेन बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अपना काम बड़ा किया और अपनी एक बड़ी दुकान खड़ी कर दी और पैसे कमाने लग गई। तो देखा गाइस, किसी की हेल्प करने से कोई व्यक्ति कितना आगे बढ़ सकता है।